तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इदरीस अली ने रविवार को प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुकुल राय की तरफ से अकीदत के फूल पेश किए। दरगाह जियारत के बाद अली ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शारदा चिटफंड मामले में भाजपा अपनी सरकार का फायदा उठाते हुए सीबीआई का दुरुपयोग कर ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी को बदनाम कर रही है और उनके मंत्रियों और सांसदों को झूठे मामलों में फंसाने में लगी हुई है। वहीं कई नेताओं द्वारा टीएमसी पार्टी छोड़े जाने के सवाल पर अली ने कहा कि टीएमसी पार्टी गंगा की तरह है, जिस तरह कभी गंगा का पानी खत्म नहीं हो सकता, उसी तरह किसी के भी पार्टी से जाने पर टीएमसी पार्टी खत्म नहीं होगी। ममता बनर्जी, उनका लिए भी जो दुआ की हम लोग दुआ किए और उनका तरफ से एक चादर भी यहाँ दिया गया है और हम लोग को ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुकुल राय उनको लिए भी चादर पेश किया गया है, उनके लिए दुआ किया गया है। आज हम लोग ये चाहता दुनिया में शांति बरसे, खास करके पश्चिम बंगाल में शांति विराज होना चाहिए। बीजेपी सरकार ने यूज करता मोटिवेटेडली इंटेंशनली, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम लोग कानून मांगता, हम लोग कानून में चलना मांगता, हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कानून में चलना मांगता, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक नहीं, एक तो कम्युनल पार्टी, उन्होंने जो सीबीआई को जैसा तरह यूज करता है, ऐसा यूज नहीं होना चाहिए। हम लोग को आशा है, हम लोग को उम्मीद है पश्चिम बंगाल में शांति विराज करेंगे।